हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एवर व्लॉग। तो आज तो सिर्फ मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं क्या कर रहा हूँ एंड आई शो यू माय कॉलेज एज वेल। अभी मैं बैचलर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में। तो मैं अपनी बिल्डिंग बताऊँगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो बताऊँगा, और कैनेडा में लाइक हाउ डू यू स्टडी एंड स्टफ, बैचलर कैसे करते हैं, कौन से टाइप्स का बैचलर जाता है, सब दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो एंड तक देखना। तो फिर मिलते हैं, अभी मैं नाश्ता करने जाऊंगा और फिर कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलूंगा। सो आई सी यू देयर गाइज। सो गाइज, मैं अपने घर से निकल रहा था, फिर मेरे को ख्याल आया कि आप लोगों को दिखा जाऊँ व्हाट्स द वेदर लाइक इन कैनेडा। और ये स्पेशली विनीपेग का वेदर है, ये सब कैनेडा का वेदर नहीं है प्रॉपर। यहाँ कैनेडा में स्नो होता है लेकिन विनीपेग में और रेजिना में ना एक्सट्रीम ठंडी होती है। तो हम लोग अभी कॉलेज के लिए निकलेंगे अपनी गाड़ी में, और एक्चुअली नॉट अपनी गाड़ी में, इट्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स कार। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरा करके कि यहाँ पर वेदर कैसा है अभी। तो गाइस, इतना स्नो है यहाँ पे, और अभी मैं वेदर देख रहा था वेदर ऐप में, और ऑलमोस्ट 50 माइनस 7 डिग्री सेल्सियस का वेदर है अभी। एंड यस, विंटर शूज़ पहनना पड़ता है, बहुत स्लिपरी होता है, लाइक स्नो इज़ नॉट द फन, एक्चुअली दिखता फन है लेकिन। एंड दैट्स अवर राइड फॉर टुडे, लेट्स गो। एंड मैं अपना बैग रख देता हूँ। गाइज, इधर राइट से हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, लाइक जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, वो शुरू होती है। लाइक आप देख सकते हो इधर बोर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का, और ये अभी फैकल्टी की स्ट्राइक चल रही है तो राइट में सारे लोग खड़े हुए हैं। एंड अच्छा है अभी उन्होंने, लाइक वो अभी बीच में नहीं है, और वो सब स्ट्राइक वाले बंदे थे, और पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी थी इसलिए मेरे को व्लॉग करना बंद करना पड़ा था, क्योंकि इट्स रियली बैड। टिकट आती है बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट 15,000 इंडियन रुपीज़ की टिकट आती है। तो ये जो पूरा एरिया अभी हम जहाँ पे अंदर जा रहे हैं वो सारा यूनिवर्सिटी है। लेफ्ट में ये स्टेडियम है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, और ये राइट में सारी कंपनियाँ है, लाइक रिसर्च एंड स्टफ कंपनी सारी, और उसके आगे जो शुरू होता है वो सब कॉलेजेस है। डिफरेंट कॉलेज होती है यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट फैकल्टी की, हमारे यहाँ डिफरेंट कॉलेज है। और ये रोड की स्पीड लिमिट है 70, तो हम 75 तक चला सकते हैं, 78 तक कोई कुछ नहीं बोलता है, लाइक पुलिस वाले पुल ओवर भी नहीं करते। और अभी आगे शायद कंस्ट्रक्शन का वर्क पहले शुरू था, अभी शुरू है कि नहीं वो पता नहीं है मेरे को। एंड यहाँ पे सारी कॉलेजेस आ रही है अब धीरे धीरे। एंड ये सामने जो मेन, ये छोटा सा, ये जो बड़ा डोम दिख रहा है ना छोटा सा, ये वाला, ये हमारी मेन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। अभी मैं ये स्टॉप साइन क्लियर करके आप लोगों को फिर से ब्लॉग शुरू करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये स्टेडियम जो मैं बोल रहा था, ये पूरा स्टेडियम है फुटबॉल, मतलब रग्बी का है, ये लोग रग्बी को फुटबॉल बोलता है इधर। और ये सारे कॉलेजेस है, ये भी कॉलेज है, और मेरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट नॉर्थ एंड पे है, या यूनिवर्सिटी का पूरा एरिया अगर है उसमें नॉर्थ एंड की बिल्डिंग सबसे लास्ट वाली हमारी होंगी, रिवर की एग्जैक्ट पास वाली। लाइक एक्चुअली मैं बोलना ही भूल गया, मैं स्टडी करता हूँ बैचलर्स इन जियोलॉजिकल साइंसेस, और जियोलॉजी में मतलब माइनिंग एंड मिनरल्स एंड वो सब का स्टफ आता है, क्रिस्टल्स, डायमंड्स, गोल्ड, वो सब। तो ये हमारा पार्किंग है लेफ्ट साइड, जैसे आप देख रहे हो मैं अभी पार्किंग में पार्क करके, ये सामने दिख रही है पूरी कांच की, वो मेरी कॉलेज है। मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगा, और एक 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 वीडियो पूरी ना कॉलेज, मेरी कॉलेज की टूर पे बनाऊंगा, क्योंकि अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ है कि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। और ये है हमारा पार्किंग। सो मैं पार्क करने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है। सी यू गाइज इन अ बिट। मैं तो जस्ट, और ये सामने सेंट पॉल्स कॉलेज है,
और उसके बाजू में सेंट जॉन्स है, उसके बाजू में फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की बिल्डिंग है, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज की सारे की बिल्डिंग है, वो हमारा स्टेडियम जो मैं बोल रहा था। एंड बाय द वे दिस इज माय फ्रेंड्स कार, ये हमारी नहीं है, हम इतने रिच नहीं है ये ऐसी कार ले सके। सो यस आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। मैं अपने कॉलेज पार्किंग का पे करके कॉलेज के पास पहुँच के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि व्हाट्स द स्टफ लाइक कॉलेज में क्या होता है एंड दो स्टफ। चलो बाय। तो गाइस दिस इज माय कॉलेज, ये पूरी बिल्डिंग, ये डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस की बिल्डिंग है, लाइक अर्थ के रिलेटेड जितना साइंस होता है एंड स्टफ। एंड शायद अभी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने मास्क पहन लिया है। लाइक अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो फिर भी आपको मास्क पहनना ज़रूरी है इन क्लास एंड स्टफ। कोविड एक्चुअली गया है लेकिन अभी गया ऐसा लग नहीं रहा है। एंड या दैट्स द एंट्रेंस, ये या तो ये हमारा एंट्रेंस है। तब से हम करेंगे एंटर, फिर यहाँ पे जितना स्नो शूज में होता वो सब इधर निकालना और फिर इधर से मेन एंट्रेंस है बिल्डिंग का। बिल्डिंग तो पहले मैं कॉलेज में आके ऑलवेज अपने लॉकर पे जाता हूँ, लॉकर को ऐसे पासवर्ड होता है ओपन करता हूँ, लॉकर खोल के मैं अपना विंटर जैकेट जो बड़ा वाला पहनता हूँ ना वो पहले मैं अंदर रख देता हूँ कि कौन क्लास में इतना बड़ा जैकेट लेके घूमता है। Like, I lift up to vlog and take out a jacket. ये जो बड़ा वाला जैकेट अभी आपने देखा था ब्राउन कलर का वो मैंने रख दिया। अभी छोटा जैकेट पहन के मैं अपने क्लास में जाऊँगा, एक घंटे का क्लास है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, नहीं अभी नहीं, अभी मैं आपको उधर लेके जाऊंगा। आई वोंट स्पीक एनीथिंग क्योंकि वहाँ पे सब बैठे होंगे, कोई पढ़ रहा होगा, किसी को डिस्टर्ब होगा, तो मैं वो नहीं करूँगा। सिर्फ बिल्डिंग दूर से देख लो आप लोग और मैं अपना क्लास भी कर दूंगा। ये साइड में सभी केसेस हमारे सैंपल्स हैं मिनरल्स के, वो लाइक उसकी वीडियो बनाऊँगा मैं एक दिन डिफरेंटली, क्योंकि हमारे यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, एक नेक्स्ट लेवल सैंपल्स है उसमें। एंड ये डिलन है, मेरा फ्रेंड है क्लास का, और ये जो डोर ओपन दिख रहा है वो मेरे क्लास का है। तो गाइस क्लास हो चुका है ख़त्म, लाइक एक घंटे का क्लास होता है लेकिन उसमें 10 मिनट्स की ब्रेक होती है, तो ये लोग स्ट्रेट 50 मिनट्स का क्लास पढ़वा के उनको बाद में छोड़ देते हैं। लाइक तो 50 मिनट्स ऑफ क्लास। अब मैं जाऊंगा घर पे और घर पे जाके ब्रंच करूंगा, सुबह कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया। एंड उसके बाद थोड़ी देर इंडिया कॉल करूंगा अगर कोई उससे, के बाद इंडिया कॉल करूंगा अगर कोई जाग रहा होगा तो उनसे बात करूंगा, वरना फिर पढ़ने बैठूंगा मैं। ज़्यादातर वैसे तो कुछ काम होता नहीं है पढ़ने के अलावा, लाइक आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब बिकॉज इट क्लास इज सो मच विथ माई स्टडीज। और लास्ट ईयर मैंने एक बार ट्राई की थी तो लाइक मेरे ग्रेड्स बहुत कम आए थे क्योंकि स्टडी लोड हमारा बहुत होता है, हर एक कोर्स में लैब्स एंड स्टफ, तो लैब का डिफरेंट असाइनमेंट होता है, लैब की डिफरेंट एग्ज़ाम्स होती है वो भी एवरी वीक होती है, और डिफरेंट लेक्चर भी होता है लैब का वो भी एवरी वीक होता है, और थियोरी का लेक्चर लैब एंड थियोरी का एग्ज़ाम असाइनमेंट्स एंड लेक्चर या वो सभी
एवरी वीक होता है, तो स्टडी लोड बहुत रहता है, टाइम नहीं मिलता जॉब करने का. लाइक आई ट्राई माई वेरी बेस्ट, लेकिन फिर भी लाइक वीकेंड पे टाइम निकालता हूँ, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ. इधर जो मेरी फैमिली है, मेरी बहन है, मेरी जीजा जी है, फिर मेरे चाचा है, और बस ऐसे चलता. तो गाइस मैं कुछ बताना चाहता था, लाइक मैं भूल गया था, मैं आप लोगों को बताने वाला था कि मेरा स्टडी का या लाइक कनाडा में स्टडी का स्टडी स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड आप लोग लाइक व्हाट यू गाइस कैन टेक, और बैचलर्स करना है तो क्या हो सकता है, पर लाइक एंड मैं अपनी कॉलेज की टूर भी करवाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं कॉलेज की टूर एक डिफरेंट वीडियो रखूँगा तो आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, लाइक प्रॉपरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी और वो सब देख पाओगे. मैं उसके लिए स्पेशली एक दिन निकाल के इधर आऊँगा, एंड मैं बार बार स्क्रीन पे देख रहा हूँ, सॉरी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर, लाइक दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग एवर, ट्राइंग माई बेस्ट. एंड कॉलेज स्ट्रक्चर उसका भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा, लाइक कि क्या होता है, हाउ कैन यू रियली स्टडी इन कैनेडा, और लाइक कैसे आप लोग अपने गोल्स अचीव कर पाते हो, कैसे आप आगे पढ़ सकते हो, इफ़ आपको बैचलर्स करना है तो कैसे एडमिशन लेना है एंड स्टफ, क्योंकि वहाँ पे तो लाइक एजेंट सारे चूतिया काटते हैं हमारा, इट्स लाइक मेरा भी कटा था, नथिंग रॉन्ग, बट स्टिल. सो या आई विल सी यू गाइस एट होम, बाय. हेलो गाइस, तो अभी मैंने बुआ के घर पे बात की, लाइक इंडिया पे, और मैंने ब्रंच किया, एंड अभी मैं अपने रूम की साफ सफाई करूँगा. इट्स लाइक इट्स बीन अ लॉट ऑफ डेज सिंस आई क्लीन्ड माय रूम, एंड आई विल जस्ट शो यू बिफोर एंड आफ्टर. लाइक अभी सारे कपड़े धोने के लिए डाले, एंड आई विल क्लीन ऑल दिस स्टफ. सो ये बिफोर देख लो आप लोग सब कैसा है. लाइक ये मेरा स्टडी डेस्क है, एंड ये मेरे वार्डरोब्स है, और ये बेड है. इट्स लाइक एवरीथिंग इज मैसी. सो अभी सब क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद मिलते हैं हम, बाय. सो गाइस, दिस इज आफ्टर वीडियो, लाइक क्लीनिंग के बाद का. एंड यस, दिस इज वेयर आई स्लीप. इधर मेरे कपड़े और वो सब रहते हैं. दिस इज वेयर आई स्टडी एंड स्टफ. और अभी लाइक नई वीडियो शायद अपलोड हो रही है. यस, माय न्यू अपकमिंग वीडियो इज गेटिंग अपलोड राइट नाउ, एंड बस तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. और अगर दोस्तों आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस व्लॉग. और किसी को भी अगर कैनेडा की इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहे मेरे को कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा. एंड और मिलते हैं, तब तक के लिए बस इतना ही. सी यू गाइस, टेक केयर, पीस आउट, बाय.